सब्सक्राइब कीजिए नेगा न्यूज को और बेल आइकॉन को दबाकर दुनिया भर की ताजा खबरें पाइए सबसे पहले। दोस्तों, अगर आप रोहित शर्मा के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए। भारत से रोहित शर्मा के लिए आई कौन सी खुशखबरी जिसका श्रीलंका में दिखेगा असर। दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा अपनी फॉर्म से जूझ रहे हैं। हालिया दक्षिण अफ्रीका दौरे में एक वनडे शतक को छोड़कर वो बुरी तरह नाकाम रहे हैं। बावजूद इसके श्रीलंका में खेली जा रही T20 ट्रायंगुलर सीरीज के लिए उन्हें टीम की कमान सौंपी गए है। ऐसा इसलिए क्योंकि विराट कोहली और कई दूसरे खिलाड़ियों को इस सीरीज से आराम दिया गया है। रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम श्रीलंका के खिलाफ पहला मैच हार गए थी। आज भारतीय टीम का मुकाबला बांग्लादेश से है, जो टूर्नामेंट की तीसरी टीम है। टूर्नामेंट में बने रहने के लिए बेहतर होगा कि भारतीय टीम जीत की पटरी पर वापस लौटे। अच्छी बात ये है कि आज मैदान में उतरने से पहले कप्तान रोहित शर्मा को एक खुशखबरी मिली है। सवाल ये है कि क्या इस खुशखबरी के बाद रोहित शर्मा मैदान में अपना दमखम दिखाएंगे। दरअसल 7 मार्च को BCCI ने अपने सालाना करार वाले खिलाड़ियों की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में रोहित शर्मा को A+ ग्रेड में रखा गया है। A+ में सिर्फ 5 खिलाड़ियों को जगह दी गए है। इन खिलाड़ियों को सालाना 7 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इस करार की मियाद अक्टूबर 2017 से सितंबर 2018 तक होगी। रोहित शर्मा के अलावा जिन खिलाड़ियों को A+ में जगह मिली है उसमें कप्तान विराट कोहली, शिखर धवन, भुवनेश्वर कुमार और जसप्रीत बुमराह शामिल हैं। BCCI ने पिछले दिनों हुए विवाद के बाद खिलाड़ियों के लिए न सिर्फ ये नए ग्रेड बनाई है बल्कि खिलाड़ियों के करार की रकम को भी बढ़ा दिया है। रोहित के लिए इस अच्छी खबर का असर मैदान में दिखाई देना चाहिए। रोहित के हाथ में ही है जीत की चाबी। रोहित शर्मा बतौर सलामी बल्लेबाज मैदान में उतरते हैं। पिछले मैच में वो बगैर खाता खोले पवेलियन लौट गए थे। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका में भी वो बेरंग थे। टीम इंडिया को अगर जीत हासिल करनी है तो पहले पावर प्ले का जमकर फायदा उठाना होगा, जिसके लिए जरूरी है कि रोहित शर्मा कम से कम पहले पावर प्ले तक क्रीज पर टिक के रहे। रोहित शर्मा क्लीन हिटर है, वो अगर रंग में है तो लंबे शॉट्स लगा सकते हैं। बतौर कप्तान भी उनसे ये दरकार है कि अब वो फॉर्म में लौटे, इस सीरीज में टीम को जीत दिलाएं और क्रिकेट फैंस और BCCI के भरोसे को कायम रखें। आपको ये वीडियो पसंद आया तो शेयर और लाइक कमेंट करें और ऐसे ही धमाकेदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। धन्यवाद।